मेरे टाइम हो गया, इन लोगों का भी अंदर नहीं जाने दे रहे। रिक्शा चलाने के वजह से समय पे नहीं आ पाए। हाँ। तो आपको पता से, अंदर से जो है बाहर तो आ रहे हैं और बाहर से जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जो भाई लोग हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा जो ओटर अंदर बंद है। दूर तक लंबी कतार दिखाई दे रही थी, ये इस बात को दिखाता है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में भागीदारी निभाए हैं। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम गया भाई स्कूल पहर, जहां पर दो वार्ड के जो मतदाता है यहां पर जो है अपना मतदान दिए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही समय पूरा हुआ और यहां पर जो है ताला बंद कर दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है। अब इस समय के बाद जो है कोई भी मतदाता अंदर से बाहर से जो है अंदर नहीं जा सकते, और अभी वही मतदाता बाहर आएंगे जो अंदर गए हुए थे मतदान करने के लिए। यहाँ पर जो है काफी मात्रा में यहाँ पर मतदाता आए थे और अपने प्रत्याशी को जो है अपने हिसाब से, अपने जिस तरह से वो इस विधानसभा के प्रत्याशी को उन्होंने अपना मत का दान किया है, आप देख सकते हैं। कुछ बातें भी हो रही है, समय को लेकर यहाँ पर कुछ चर्चा चल रहा है, थोड़ी सी बहस का भी माहौल यहाँ पर निर्मित हो रहा है, क्योंकि समय हो चुका है सुबह आठ बजे से जो मतदान शुरू होके सुबह आठ से जो है 5 बजे का समय दिया गया था। जैसे ही 5 बजा यहाँ के जो अधिकारी है, प्रशासनिक कर्मचारी है, उनके द्वारा जो है ताला बंद कर दिया गया। ताला बंद होने के बाद कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक अपना मतदान नहीं किया, लेकिन समय होने के वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर ताला बंद किया गया है, अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से है अंदर की ओर नहीं जा सकते, सिर्फ अंदर में जो लोग हैं वही बाहर आ सकते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस कारण से वो अपना मतदान जो है समय पर नहीं कर पाए। मैं ई रिक्शा वाला आदमी हूँ, काम से फंसा था, मेरे टाइम हो गया, इन लोग का भी अंदर नहीं जाने। तो रिक्शा चलाने के वजह से समय पे नहीं आ पाए। हाँ। तो आपको पता था ना कि सारे लोगों के लिए जो समय एक से निश्चित किया गया है 8 से 5 बजे तक। हाँ। तो आपको अपने मतदान का महत्व समझना चाहिए था। मैं जल्दी चाह रहा था, काम में फंस गया तो था। समय होने के बाद टाइम हो गया, मैं बोला अभी बहुत जने अभी फंसे भी है अभी नहीं, वो तो अंदर में जो गए हैं समय से उनका है। आपको अफसोस हो रहा है कि आप मतदान नहीं कर पाए? हाँ, हो रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ जाने दो करके। तो समय के बाद कैसे जाएंगे, उनका भी अपने जवाबदारी है। जिस तरह से उनको एक चेतावनी मिला है कि समय के बाद आप किसी को अंदर नहीं लेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए, अब जाने दो, अब एक जाने बाद। अच्छा, मैं प्रमोद यादव जी, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे? कि मेरा जो भाई लोग हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा जो वोटर अंदर बंद है। हाँ। उनको वोटिंग पूरा कर ले, और साइड में हमारे पास पर्याप्त जगह है, वहाँ पर बैठाया जाए, एक ही साथ गेट को खोला जाए। अच्छा, यही हमारा निवेदन, नहीं तो यहाँ से हर एक व्यक्ति जिसका वोटिंग जो बचा है वो अंदर जाया जाए। तो समय दिया गया था ना सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, समय के हिसाब से उसको खोला ना जाए, उसी में बंद करके रखा जाए। तो बंद तो कर दिए, ताला बंद कर दिए, वोटिंग डाल के बाहर ना खोले, जो अंदर गए थे वो बाहर आ रहे हैं। हाँ, तो गेट खुला जा रहा है करके हमारे जो लड़के हैं वो जा रहा है, बाहर से अंदर नहीं गए। हाँ, नहीं गया है, हम वो चीज को हम समर्थन कर रहे हैं ना भाई, लेकिन वहाँ से भाई जो वोटर जो डाल के आ रहे हैं उसको साइड में हमारे पास पर्याप्त जगह है, वहाँ बैठाया जाए, एक ही साइड गेट को खेला जाए। तो बाकी लोग का समय हो गया, तो धीरे धीरे करके बाहर, अब गेट खुल रहा करके भाई लोग भी जा रहे हैं ना, तो अब इसको हम तो थोड़ी बोल सकते। चलिए ठीक है, आपकी बातों को लेकर अभी आप जिस तरह से अब वार्ड 3 और वार्ड 4 का यहाँ पर जो मतदाता आप लोग ने मत दिए हैं, इसमें से कितने प्रतिशत या फिर कितने लोगों ने वोटिंग किए हैं? देखो, आज ये जय भाई प्राथमिक शाला मतदान केंद्र है, यहाँ पर करीब 9 बूथ है, और 9 बूथों में सुबह 7 बजे से लोगों का भारी लाइन लग गया था। महिलाएं, बच्चे, जो महिलाएं, युवा, जो नए मतदाता हैं, वो बूढ़े, जो भी वृद्ध हैं, वो सब सुबह से लाइन लग गए थे, और सड़क में दूर तक लंबी कतार दिखाई दे रही थी। ये इस बात को दिखाता है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भागीदारी निभाए हैं, लोकतंत्र पर उनका अटूट विश्वास है, और ये भारी मतदान इस बात को भी इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव के बयार है। भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में जिस प्रकार से लंबी कतार का कहीं ये असुविधा को लेकर नहीं है कि लंबी कतार जिस तरह से हुआ है उसमें असुविधा तो नहीं, जिसके कारण जो लोग सड़क पे लाइन लगा लिए थे? निश्चित रूप से एक कारण ये भी है, जो पीठासीन अधिकारी है, जो निर्वाचन आयोग है, इसको भविष्य में ध्यान देना भी चाहिए। स्कूल की जो परिसर है वो छोटा है, और यहाँ 9 बूथ और करीब करीब 10,000 से अधिक वोटर है, और उस हिसाब से स्कूल की जो कैंपस है बहुत छोटा है, इस नाते भीड़ बहुत हो जाती है और अव्यवस्था का आलम होता है।
इसलिए भविष्य में इसको ध्यान में रखते हुए अलग से मतदान केंद्र की व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ दस हजार वोटर यहाँ पर है, जिस तरह से यहाँ पर असुविधा होती है, तो क्या इससे पूर्व भी असुविधा होता रहा, तो उस पर भी क्यों काम नहीं किए और अभी भी वही असुविधा रहा है, तो आने वाले लोकसभा में भी क्या इसी तरह से देखने हम लोगों ने इस विषय को पूर्व में भी उठाए थे कि जय भाई स्कूल में मतदाता की संख्या बहुत अधिक है और इसके कारण आए दिन परेशानी होती है हर बार चुनाव में, और चूंकि हर बार साल दर साल मतदाता की संख्या बढ़ जाती है, इस नाते यहाँ व्यवस्था करना था। लेकिन भारी मतदान भी एक बड़ा कारण है, भारी मतदान बदलाव का संकेत है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और दुर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आने वाले समय बताएगा कि सरकार किसकी होती है, और जिस तरह से यहाँ पर पोलिंग का पूरा काम हो चुका है, मतदाता जो है मतदान अपना कर चुके, समय हो गया, आप देख सकते हैं दुर्ग थाना के जो TI है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पूरी पुलिस बल यहाँ पर पहुँच गई है, किसी भी प्रकार से असुविधा यहाँ पर ना हो सके, इसलिए जिस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल आ चुका है, ताकि यहाँ पर जो है जो भी बातें हैं, जो भी कार्य जो है उसको सही ढंग से शांति पूर्ण से उसका जो है निर्वहन कर सके। आप देख सकते हैं पुलिस का बल जो है इस गेट के अंदर गए हैं, जहाँ पर कुछ ही मतदाता जो है अंदर पे रह गए हैं। हर अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।